रहा था आपका मुल्क, और अगर आज ये एक अजीब मुल्क नहीं बना, इसकी ये वजह नहीं कि अल्लाह ने यहां नेमते नहीं दी, अल्लाह ने यहां सब कुछ नहीं दिया, इसकी सिर्फ एक वजह है, जिस कौम के हुक्मरान डाकू हो वो सारी अल्लाह की नेमतों के बावजूद कभी तरक्की नहीं कर सकती। मैं आज शहबाज शरीफ जो फिर बन गया है, वो बड़ा भाई गया तो छोटा भाई आ गया है, गॉडफादर गॉड, गॉडफादर गया है तो छोटा डॉन आ गया है। तो वो आज कहता है ये जरा सुने, ये कयामत की निशानी है। शहबाज शरीफ कहता है कि कायदे आजम के बाद नवाज शरीफ सबसे बड़ा लीडर आया। छोटे डॉन शहबाज शरीफ, कायदे आजम के दुश्मन भी कहते थे कि कायदे आजम ईमानदार है, कायदे आजम के दुश्मन भी कहते थे कि कायदे आजम सादिक और अमीन है। नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक ही नारा है, गली गली में शोर है, किधर कायदे आजम और किधर मुल्क का सबसे बड़ा डाकू नवाज शरीफ। शहबाज शरीफ इतना बड़ा झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? और दूसरा, कायदे आजम वो पाकिस्तानी लीडर थे, मुसलमान लीडर, पाकिस्तानी लीडर, जिन्होंने बरतानिया में कमाई की, पैसा बनाया और सारा अपना पैसा पाकिस्तान लेके आए। और नवाज शरीफ वो डाकू है जो इस मुल्क का आपका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया। किधर कायदे आजम और शहबाज शरीफ, किधर तुम और नवाज शरीफ? नवाज शरीफ तो फारिग हो गया है, नवाज शरीफ तुम तैयार हो जा रहे हो, जब तुम्हारी आने वाली है तो इंशाल्लाह नौजवानों मुतमईन हो जाओ, यही पाकिस्तान, वो पाकिस्तान बनेगा जिधर पहले सारी दुनिया में जब हरा पासपोर्ट आप लेके जाएंगे लोग इज्जत करेंगे आपको। और इंशाल्लाह दूसरी चीज कि ये वो इंशाल्लाह पाकिस्तानी बनाएंगे, पाकिस्तान वो मुल्क बनेगा जो बाहर से लोग आपके मुल्क में नौकरियां ढूंढने आया करेंगे, आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये मुदस्सर ये हमारे साथ धरने का साथी है, मुश्किल वक्त का साथी है, ये मेहनत करने वाला साथी है। इंशाल्लाह आपको हम ऐसे कैंडिडेट देंगे, ऐसे कैंडिडेट देंगे जो हमारे साथ मिल के तब्दीली लेके आएंगे। तो नौजवानों आप सब मेंबर बने तहरीक इंसाफ के, मेंबर बने, मेंबरशिप कार्ड ले, ताकि हम आपसे, जब आपके पास मेंबरशिप कार्ड आ जाएगा हम आपसे बातचीत कर सकेंगे, आपकी राय ले सकेंगे। मैं तो कह रहा हूं मुदस्सर बेहतर है, लेकिन क्या आप भी ये समझते हैं? तो जब आप मेंबर बन जाएंगे हम आपकी राय ले सकेंगे, हम फैसला करेंगे कि किसको टिकट दे रहा है। आपके आपके कचहरी चौक के मसले क्या है, गुजरात शहर के क्या मसले हैं, वो इंशाल्लाह आप हमें बता सकेंगे जब आप मेंबर बन जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंसाफ की मेंबर साजी मुहिम का सिलसिला जारी है, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं और आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है ये जलसा, जहां पर चेयरमैन पीटीआई इमरान खान वर्कर से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि जिस कौम के हुक्मरान डाकू हों वो अल्लाह की नेमत से महरूम रहती है। कैमरा इजलास में हमारी सदारत करें, देखें कि कौन कर रहा है करप्शन, कौन हमारा साथ नहीं दे रहा, तो अब उसके लिए भी उनकी चीफ जस्टिस से की उनको मदद चाहिए। ये भी एक अजीब सी और मजाक खेज सी बात नहीं लगती आपको?
बिल्कुल ये अजीब सी बात है, लेकिन ये बात इनके रमेश कुमार साहब जो ने, चूंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी के हैं, ये इतनी सख्त बात नहीं करते। ये बात को पता चल गया तो इनको पार्टी से निकाल देंगे, पार्टी से निकाल देंगे, उनको पता चल गई तो ठीक है। मजीद भी हमें गुफ्तगू करनी है इसी बारे में, हम मजीद भी बात करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं जिनका तजिया और तबसरा लेना बाकी है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ चलिए। ब्रेक के बाद देखिए हल्का बंदियों का मामला, किसने उठाए सवालात, इलेक्शन कमीशन की नई हिकमत अमली तैयार। वफाकी वुज़रा का गैर संजीदा रवैया, छोटे मियां की बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, ये सब और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए बोल न्यूज हेडक्वार्टर आज शाम 6 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ताबीर हूँ जिन्ना की, ख्वाब हूँ इकबाल का, लिबास हूँ किदवाई का, मैं समर हूँ कुर्बानियों का, हाल हूँ नौजवानों का, मैं रोशन मुस्तकबिल हूँ नौजवानों का, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं आलीशान हूँ, मैं जोश हूँ, जज्बा हूँ, लगन हूँ जीत की, मैं जमी हूँ बहादुर सपूतों की, मैं दाई हूँ अमन का, मैं तिबले जंग हूँ दुश्मनों का, मैं एटमी ताकत भी हूँ और खुद मुख्तार रियासत भी, मैं आइन भी हूँ और आजाद अदलिया भी, मैं रहती दुनिया तक कायम और दायम रहूंगा, ये फरमान था मेरे कायद का और मैं बोल हूँ पाकिस्तान का।